से उभरने के साथ ही नागपुर का हाउसिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच घर खरीदने व बेचने वालों के लिए तनाव निर्माण करने वाली खबर है। 1 अप्रैल 2022 से शहर सीमा में संपत्ति की खरीदी बिक्री करने वालों को रजिस्ट्री के दौरान 1% अतिरिक्त मेट्रो अधिभार देना पड़ेगा। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र के साथ ही पुणे पिंपरी चिंचवड़ व नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र में पंजीयन शुल्क में 1 अप्रैल से 1% अतिरिक्त मेट्रो अधिभार वसूला जाएगा। राज्य के सह निबंधक महानिरीक्षक तथा मुद्रांक अधीक्षक ज्ञानेश्वर खिलारी ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से मेट्रो अधिभार लगाने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना को देखते हुए 2 साल तक सहूलियत दी गई, लेकिन अब इस रियायत की अवधि 31 मार्च 2022 में समाप्त हो रही है। इससे अप्रैल शुरू होने के साथ ही मनपा क्षेत्र में संपत्ति की खरीदी बिक्री संबंधी व्यवहार में अतिरिक्त राशि वसूली जाएगी। जानकारों की माने तो मुद्रांक शुल्क में बढ़ोतरी से 30 से 50 हजार रुपये की वृद्धि घर या फ्लैट की कीमत में हो सकती है।